तो पिछले अराउंड चार महीनों से मैं यूज़ कर रहा था एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर एंड मैंने उस पर काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं एंड आज की अगर बात करें तो करेंटली आई एम यूजिंग दिस जियो फाइबर जिसको भी मैंने अराउंड छः या सात दिन पहले ही इंस्टॉल करवाया है तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों का एक प्रैक्टिकल कंपेरिजन आज आपको काफ़ी सारे ऐसे बेसइड्स बताऊँगा जिसपे कि इसको कंपेयर करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा एंड अगर आप अपने लिए एक फ़ाइबर कनेक्शन लगवाना चाहते हो तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है पूरा दिखना विदाउट स्किपिंग एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि मजा आएगा नहीं दे तो सबसे पहले बात करते हैं अबाउट दी इंस्टॉलेशन प्रोसीजर एंड इट्स प्राइसेस तो यहां पर दोनों में इंस्टॉलेशन काफी डिफरेंट तरीके से होता है दोनों में वायरिंग काफी डिफरेंट है राउटर्स डिफरेंट है एस टीबी भी, भी पूरा पूरा डिफरेंट है तो अगर इंस्टॉलेशन की बात करें तो यहां पर एयरटेल आपको ऑफर करता है फ्री इंस्टॉलेशन अगर आप जो है एक लॉन्ग टर्म वाला प्लान लेते हो तो वहीं पर जियो आपको ऑफर करता है वन मंथ फ्री ट्रायल जो कि एबसोल्यूटली फ्री है अगर आप वन मंथ के अंदर उसको डिस्कनेक्ट करवा देते हो तो मतलब कि अगर आप एक महीने के अंदर जो है डिस्कनेक्ट करवा दोगे प्लान तो जितना आपने अमाउंट पे करा है उतना आपको पूरा पूरा रिटर्न हो जाएगा जो कि चीज़ काफी बढ़िया है वहीं पर यहाँ पर एयरटेल में आपको किसी भी तरह का फ्री ट्रायल देखने नहीं मिलता है एंड अगर बात की जाए इंस्टॉलेशन में टाइमिंग की तो दोनों ही अराउंड एक दिन ले लेते हैं इंस्टॉल करने के लिए वहां पर मेरा जो एक्सपीरियंस है पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ तो यार एयरटेल का थोड़ा बेकार था जियो का थोड़ा अच्छा है एयरटेल में यहाँ पर बंदा जो है इंस्टॉल करके गया एंड पूरा दिन जो है लग गया एंड उसके बाद जाकर जो है नेटवर्क्स आना स्टार्ट हुए थे वहीं पर अगर मैं बात करूँ जियो की तो

विद इन फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट सारा काम हो जाता बट यहाँ पर थोड़ा सा डी पी में प्रॉब्लम लेट हो गया नेटवर्क आने में स्टिल इट बीट एयरटेल इतना बोलूंगा कि इंस्टॉलेशन के मामले में भाई एयरटेल थोड़ा सा पीछे है जियो थोड़ा सा बेटर है फ्री ट्रायल आपको दे रहा है फिर उसके बाद इंस्टॉलेशन के सारा इक्विपमेंट्स वगैरह भी काफी तेजी से सेटअप से कर देते हैं तो ये चीज के मामले में मैं कहूंगा की यार जियो थोड़ा सा बेटर निकलकर सामने आ जा रहा है सेकेंडली बात करते हैं सर्विस के बारे में अब यार सर्विस काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसपे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते हैं बट इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट तो अगर बात की जाए सर्विस के बारे में तो यहाँ पर जो जियो की सर्विस है ना वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी एयरटेल से वहीं पर एयरटेल की भी सर्विस अच्छी है बट यहाँ पर जियो की सर्विस उससे थोड़ी सी और बेटर है अब इसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ एयरटेल में यहाँ पर जैसे ही सेटअप हुआ कंप्लीट हो गया मेरा जो है लाइव स्ट्रीम काम नहीं कर रहा था लाइव स्ट्रीम के मामले में, में काफ़ी ज़्यादा रोते रोते नेटवर्क आ रहे थे एंड इससे मुझे परेशान होना पड़ा था मतलब बहुत ज़्यादा एयरटेल को कॉल किया भाई फिर उन्होंने एक दिन डेढ़ दिन में जो इंजीनियर भेजा फिर उसने काम करा फिर एक डेढ़ दिन का प्लान और वेस्ट हो गया तो मतलब अल्टीमेटली मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ा था एक छोटी सी प्रॉब्लम पे वहीं पर एयरटेल की सर्विस अच्छी इसलिए मैंने बोला क्योंकि एयरटेल की सर्विस में काफी तेजी से कंप्लेंट क्यूरी होती है काफी तेजी से अब वो जो कंप्लेंट है उसको एग्जीक्यूट होने में टाइम लगे भाई वो वो मैं नहीं कह सकता बट स्टिल एयरटेल काफ़ी तेज़ी से कंप्लेंट ले लेता है एंड बहुत ईजिली आप उनको जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो अब जियो की बैटर क्यों लगी इसके बारे में बताता हूँ तो जियो में यहाँ पर मेरा सारा कुछ सेटअप हो चुका था केवल डी से नेटवर्क आने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो उसके लिए मैंने दो या तीन बार जो है ऑपरेटर को कॉल किया एंड काफ़ी मतलब काफ़ी सीमलेस तरीके से बात हुई काफ़ी सीमलेस तरीके से काम हो गया एंड विद इन वन डे मुझे एक भी दिन एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं करना पड़ा विद इन वन डे मेरा नेटवर्क भी चालू हो गया मेरा प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट हो गए एंड मेरा कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो गया एक ही दिन के अंदर उन्होंने इंस्टॉलेशन भी कर दिया सेटअप बॉक्स भी कर दिया सारा सिस्टम कर दिया एंड साथ साथ में नेटवर्कस भी आने लगे इस मामले में मुझे जो है जियो ज़्यादा बेटर लगा एयरटेल से पर एयरटेल ने भी कई बार मेरी प्रॉब्लम्स को काफ़ी ईजिल सॉर्ट आउट कर दिया है कई बार फ़ोन पे ही सॉर्ट आउट कर दिया है तो मैं ये बोलूंगा कि सर्विस में दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर हैं ये कह सकते हो आप 19 बीस का फर्क यहाँ पर आ जाता है अब बात करते हैं प्लान्स के बारे में जियो का स्टार्टिंग प्लान 30 Mbps का है जो कि आपको फोर हंड्रेड पर मंथ का पड़ जाता है एंड एयरटेल का जो स्टार्टिंग प्लान है वो है 40 Mbps का जो कि आपको फाइव एटी पर मंथ का पड़ जाता है दोनों में डिफरेंस बता दो दोनों में दस एम की स्पीड का डिफरेंस है वहीं पर दोनों में एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि है जी चार्जेस का अब पता नहीं क्यों भाई लेकिन जी चार्जेस का भी थोड़ा बहुत हाइयर डिफरेंस आ जाता है एयरटेल थोड़ा सा मुझे महंगा लगा 470 एंड 588 में काफ़ी ज्यादा डिफरेंस होता है तो इसीलिए मैं तो ये बोलूंगा कि अगर आप 30 एम में संतुष्ट हो तो मेरी मानो तो जियो की तरफ से जाओ एयरटेल की तरफ जाने की जरूरत नहीं है वहीं पर अगर आपको जो है थर्टी एम का प्लान कम लग रहा है तो फिर आप जो है चार

आप Amazon प्राइम वीडियो दे सकते थे वहीं पर आपने नहीं दिया आप दे रहे हो भाई हॉट स्टार अल्ट बालाजी जैसे प्लेटफॉर्म जो कि भाई मेरे को नहीं लगता कि कोई स्ट्रीम करता है हॉटस्टार फिर भी लोग देखते हैं बट अल्ट बालाजी एंड जी फाइव तो मैंने आज तक खोल के भी नहीं देखा है एंड उल्लू उल्लू तो भाई देखा ही नहीं है तो ये सारी चीजें अगर मैंने देख ही नहीं रखी ना मुझे देखना है तो फिर ये ओ टी प्लेटफॉर्म्स आई थिंक वेस्टेड है नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम वीडियो हॉट स्टार आई थिंक डिजर्विंग है बट यहां पर आपको ना नेटफ्लिक्स देखने मिलता है ना अमेजन प्राइम वीडियो तो ये जो है डिफरेंस आ जाता है बाकी दोनों में जो है सिमिलर है भाई दोनों ही बिल्कुल एकदम बेकार प्लेटफॉर्म्स को दे रहे हैं आप लोगों को ओटीटी में बाकी मैं जो यही कहूंगा कि अगर आप ओ के लिए ही ले रहे हो खाली प्लान तो मत लेना फिर भाई कोई कोई धंका आपको ओ नहीं देखने मिलने वाला और यह जो है प्रॉब्लम आ जाती है अब बात करते हैं वाईफाई रेंज की और सिग्नल्स की तो वाईफाई रेंज एंड सिग्नल्स के मामले में आई थिंक जियो से ज़्यादा बेटर निकल कर आता है एयरटेल अब ऐसा इसीलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है कि मैं घर से बाहर निकल जाता था और मेरा एयरटेल कनेक्टेड रहता था वहीं पर जो मेरा जियो है ना पता नहीं कि वो डिसकनेक्ट हो जाता है अपने आप से एंड जियो में यार एक और बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैं छत पे पर यूज़ नहीं कर सकता जियो का नेटवर्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेंज नहीं देखने मिलता एंड एयरटेल में जो है मैं छत पे ही लिटरली और नीचे वाले फ्लोर पे मतलब आप एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक नेटवर्क पहुंचा सकते हो एयरटेल में बट uh, जियो में आई थिंक इट इज़ नॉट कम्प्लीटली बेटर यहाँ पर हो सकता है इसीलिए क्योंकि आपको जो ये राउटर देखने मिलता है इसमें किसी भी तरह का एंटीना सिस्टम नहीं देखने मिलता है अलग से वहीं पर जो एयरटेल का नोकिया वाला राउटर था उसमें आपको दो अलग से एंटीनास देखने मिल जाते थे जो आई थिंक रेंज को बढ़ाने का काम कर देते हैं स्पीड की तो क्या ही बात करनी भाई दोनों में ही डिफरेंट प्लान्स हैं एकदम तो अगर मैं बात करूं एयरटेल की तो यार एयरटेल में मैंने 40 एम वाला प्लान यूज़ कर रखा है एंड 40 एम का प्लान मैंने जो है प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट कर रखा है तो काफ़ी ठीक ठाक स्पीड दे देता था मतलब 38, 39 तक दे देता था मतलब ये कह सकते हो आप कि जितना बोला है उतना दे रहे हैं ऑलमोस्ट वहीं पर जो जियो है ना उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है मतलब जियो का जो मेरा प्लान है अभी करेंटली वो है 150 फिफ्टी का एक ट्रायल प्लान तो 150 फिफ्टी का जो प्लान है वो वन तक की स्पीड देता है डाउनलोड के मामले में एंड हंड्रेड के नीचे देता है अपलोड के मामले में जो कि एकदम काफ़ी ज़्यादा डिजर्विंग स्पीड्स हैं एंड इस मामले में भाई क्या ही मैं कंपेयर करूं क्योंकि जियो भाई अलग ही प्लान दे रहा है एंड एयरटेल एकदम अलग ही प्लान दे रहा है तो इनको कंपेयर करना पॉसिबल नहीं है सिर्फ इतना बोल सकता हूं कि दोनों में जितना प्लान में मैंशनड है ऑलमोस्ट आपको उतना ही स्पीड देखने मिल जाता है अब बात करते हैं कॉलिंग के बारे में तो भाई यहाँ पर डेडिकेटेडली जियो इज़ द विनर जियो आपको डेडिकेटेडली एक कॉलिंग फ़ीचर देता है आ, पता नहीं कितने स्मार्टफोन्स उससे कनेक्ट कर सकते हो आप बट स्टिल आपको एक कॉलिंग फीचर देखने मिल जाता है जिसमें आप काफ़ी ईजीली विद इन वाई फाई नेटवर्क कॉल लगा सकते हो लेकिन एयरटेल में भाई आपको डेडिकेटेडली एक लैंडलाइन लेना पड़ेगा नहीं तो आप कॉल नहीं प्लेस कर सकते जो कि चीज़ मुझे थोड़ी सी बेकार लगी एयरटेल के मामले में जियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉलिंग आपको जो है किसी भी स्मार्टफोन में आप जियो कॉल एप्लीकेशन से काफ़ी इजीली वाईफाई के नेटवर्क्स के अंदर में कॉल लगा सकते हो काफ़ी इजीली और किसी भी नंबर पे कॉल लगा सकते हो बस आपको जो है जीरो पुट करना पड़ता है नंबर के पहले एंड काफ़ी इजीली आप जो है कांटेक्ट कर सकते हो किसी को भी जियो के इन के थ्रू जो कि चीज़ आई थिंक जियो इज़ द क्लियर विनर इन दिस स्टेज क्योंकि अलग से लैंडलाइन लेना आपको नहीं पड़ता जियो में वहीं पर आपको एयरटेल में एक अलग से लैंडलाइन लेना पड़ेगा उसके बाद जाकर आप कॉल प्लेस कर सकते हो लास्ट बट नॉट द लीस्ट अगर बात की जाए कि रिव्यू के बारे में कि एक टोटल रिव्यू दिया जाए ओवरऑल कंक्लूजन रिव्यू तो मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप 30 Mbps के प्लान से सैटिस्फाई हो सकते हो तो आप Jio की तरफ जाओ बिल्कुल से जाओ उसके बाद कि जितने भी प्लान है ना उसमें Jio ही क्लियर विनर निकल कर आता है वहीं पर केवल पहले ही प्लान में डिफरेंस है मतलब कि लाइक थर्टी एम आपको जियो दे रहा है एंड फोर्टी एम आपको एयरटेल दे रहा है बाकी उसके आगे जितने भी प्लान है वो सारे सेम है हंड्रेड एम बी पी एस वन फिफ्टी एम बी पी एस टू हंड्रेड एम बी पी एस वन जी बी पी एस ये सारे प्लान एकदम सेम है और प्राइस भी जो है जियो का बेटर है तो इस मामले में आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप थर्टी एम बी पी एस सेटिस्फाइड हो तो जो पहला प्लान अगर लेने का सोच रहे हो तो जियो की तरफ जा सकते हो वहीं पर आप फ्री ट्रायल भी ले सकते हो वहां पर आपको कॉलिंग भी देखने मिल जाती है सर्विस भी ठीक ठाक है रेंज भी काफी बढ़िया तो नहीं बट फिर भी काफी अच्छी है तो इतना सब जब आपको देखने मिल रहा है जियो में तो आई थिंक एज पर माई कंक्लूशन मैं जो है आपको सलाह दूंगा कि आप जियो की तरफ जाओ ना कि ही एयरटेल की तरफ अगर आपके एरिया में जियो फाइबर की अवेलेबिलिटी नहीं है तो फिर आप एयरटेल को लेने का सोच सकते हो यह पूरा एक कंक्लूजन था मेरा इन्हीं दोनों परियो फाइबर, फाइबर दोनों के ही काफी सारे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी डाले रखे हैं एंड काफी सारे वीडियोस ऑन द वे हैं तो अगर आप देखना चाहते हो तो प्ले में जा सकते हो आपको डेडिकेटेडली प्लेस्ट देखने मिल जाएगी बाकी इस वीडियो के लिए बस इतना ही होप्स आपको ये वीडियो समझ आया हो एंड थोड़ा दिल से ना सोचकर थोड़ा दिमाग से सोचना तो ये वीडियो आपको बेटरली समझ आएगा एंड पूरा का पूरा आपको अगर समझ आया तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो लीव अ लीवेंट बिलो आपसे नेक्स्ट वीडियो तब के लिए जय हिंद वंदे मातरम